अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर असगर चिश्ती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमेशा की तरह जो है वो एक मोटिवेशनल स्टोरी का रोज़ाना लेकर आता हूँ आपके लिए, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए जो है वो एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। बड़ी इसका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। स्टोरी का जो नेम है द बेकर एंड द बटर, कि एक जो बेकरी साज होता है या बेकरी आइटम्स बनाने वाला बंदा होता है और एक जो होता है ना वो किसान होता है, और वो दोनों जो है ना एक विलेज, मतलब आप एक गांव कह लें, वहाँ पे रहते हैं। तो इन दोनों की ना आपस में बड़ी जो है ना अच्छी दोस्ती होती है। दोनों काफ़ी अरसे से जो है ना वो एक दूसरे से लेन देन या बहुत सारे जो है ना मामला जो है वो उनके आपस में होते हैं। तो फार्मर जो होता है ना, जो किसान होता है, वो काफ़ी अरसे से जो है ना वो 1 पाउंड जो बटर होता है ना वो बेकरी मैन को जो है ना वो देता है, बेकर मैन को, जो नान साज, जिसको हम नान भाई भी कहते हैं उर्दू में। तो वो रोज़ाना जो है ना वो उससे 1 पाउंड बटर जो है ना वो लेता है, जो बेकरी मैन होता है, क्योंकि उसने ब्रेड वगैरह या डिफरेंट आइटम्स बनानी होती हैं उससे। अब एक दिन वो सोचता है कि यार ये जो किसान मुझे 1 पाउंड बटर दे रहा है, मैं इसको मैयर तो करके देखूं कि क्या ये 1 पाउंड है भी कि नहीं। तो वो जब मैयर करता है ना तो वो देखता है कि ये तो 1 पाउंड है ही नहीं और ये मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो वो ना पंचायत बुला लेता है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो है ना वो पंचायत वगैरह ही होती थी, तो वो नए ज़माने में अब हम उनको कोर्ट्स कहते हैं। अब वो पंचायत का जो सरबरा होता है ना वो पूछता है उससे, किसान से, कि जी आप बताएं कि आप जो है वो कौन सा जो है वो मेजरिंग जो है वो टूल यूज़ करते थे वज़न तोलने के लिए, नापने के लिए, कौन सा तराजू आप इस्तेमाल करते थे जो कि जिससे आप जो है वो आपका जो दोस्त है बेकरी मैन या नान भाई जो है वो आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप कम तोलते थे। तो वो जी बताता है कि मैं जो है ना बहुत ही एक गरीब किसान हूँ और एक आम सा किसान हूँ मैं, तो मेरे पास ना कोई बड़े एडवांस किस्म के जो मेजरिंग टूल्स नहीं है, या मेरे पास जो है ना बड़े एडवांस किस्म के जो है ना वो वज़न तोलने वाली कोई मशीन नहीं है। तो वो कहता है कि जी मैं जो है ना बड़ा ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करता हूँ वज़न तोलने में। तो उन्होंने कहा, जज पूछता है कि वो क्या, तो उसने कहा जी मैं जो है ना इससे ना काफ़ी अरसे से जो है ना किसान से, बेकरी मैन से जो है ना वो मैं ब्रेड भी लेता हूँ, 1 पाउंड मैं इससे ब्रेड लेता हूँ। तो क्या करता हूँ कि जब मैं इससे 1 पाउंड ब्रेड लेता हूँ, जब मेरे लिए 1 पाउंड ब्रेड लेकर आता है, तो मैं एक साइड पे तराजू के वो 1 पाउंड ब्रेड रख देता हूँ, तो दूसरी साइड पे मैं उसको 1 पाउंड जो है वो मक्खन तोल देता हूँ। तो अगर किसी पे जो है वो कम तोलने वाला इल्ज़ाम लगाया जा सकता है तो वो ये बेकरी मैन है, ठीक है, मैं नहीं। तो इस अगर आप स्टोरी से सबक सीखें कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कि कर्मा इज़ अ बिच, मतलब हिंदी में कहते हैं कि कर्मा इज़ अ बिच, कि जैसा आप करेंगे वैसा आप भरेंगे। अगर आप जो है वो आज लोगों के साथ अपना फेयर ट्रीटमेंट रखेंगे, उनके साथ इंसाफ करेंगे, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली इंसाफ होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप अपनी लाइफ में करें वो प्रोफेशनली, एथिकली जो है, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं उसके ठीक हों, तो और लोगों के साथ जो है वो इंसाफ करें और अच्छे से पेश आएँ, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच जी फॉर लिसनिंग दिस वंडरफुल स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।